अब मैं दोबारा एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। आप किसी के पास गए थे 5 साल के अरसे के बाद, 3 साल पहले, यस और नो, फिजिकली आप गए थे? ठीक जी मैं गई थी। है। उनकी दाढ़ी छोटी सी थी, लंबी सी मगर छोटी, यानी कि पुच्ची दाढ़ी, बंगाली टाइप। जी। रंग उनका बहुत डार्क था, बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं, बट रंग डार्क था, और चश्मे के बगैर थे, कान छोटे छोटे थे, जी और मुझे जहां तक झलक है ऐसे ही धोती मिलते। टाइप थे, धोती पहने हुए थे, या तो शलवार बहुत बड़ी पहनी हुई थी जिसके अंदर वो बल होते हैं ज्यादा। जी सर, भाजी जवाब दें। शायद मैंने उनको बैठे हुए देखा है, मैंने नहीं देखा उन्होंने क्या ठीक है, पहना हुआ है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब आप गए थे तो 11-12 बजे का टाइम था दिन का, जी जी मुझे कैसे पता है इतनी चीज़ों का? उनके बारे में बता दें, उन्होंने क्या दिया था? क्योंकि उसी के बाद घपले पैदा हुए हैं, उससे पहले आप कुरान पढ़ सकते थे, उसके बाद बंद हुआ है। Am I right or wrong? ऐसा ही है ऐसा ही है ना, तो मेरी बात गलत नहीं हुई ना, कि पहले मैंने जी। जो ये क्लिप चढ़वाई है कि डायग्नोसिस की, तो डायग्नोज होना चाहिए ना, और ऐसा होना चाहिए कि दूसरे आमिल को ऊपर से नीचे तक उसके हुलिया हलिया हुलिया हट्टा खट्टा सब खोल के बता दे मैं वो आदमी हूँ, ठीक है ना। मुझे तो एआरवाई में होना चाहिए, जी जी क्यों ड्रामा कोई ना, किसी को चट्टक ऐसा टक खोलने के लिए। जी मुझे बोले। ये पूछना है कि मुझे असरात है अभी भी या कि ये वो क्या आपके मसला ऊपर है, असरात मुझे नहीं है, समझ आपका में नहीं सेल्फ आता। इन्फ्लिक्टेड वूंड्स है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड्स। जब आप जाते हो इन जैसों के पास या हम जैसों के पास, आपको पता नहीं होता कौन क्या चला रहा है। आपको पता है मैं क्या चला रहा जी हूं? बिल्कुल किसी को नहीं पता चलता, बस ये कि एक चीज़ पता चलेगी आपको, यहाँ जब ग्रुप में जाओगे या ये के बाहर रहोगे कहीं भी, कुरान सुनने पढ़ने को देंगे या देखने को दे देंगे, जी। दैट्स इट। और उससे आगे की कोई चीज़ नहीं है ना, वो क्या कहते हैं उसे, धोबी घाट की तरह तावीज़ देंगे कि जी ये इसके अंदर आपने कपड़े धोने, धोबी से धुलवाने, और वो कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है ना। ना नहाने के तावीज़ देंगे कि जी तावीज़ को जी पानी में डाल के उसके बाद गटर के अंदर वो तावीज़ का पानी मेक श्योर के बहे, ठीक है ना, ये भी एक तरीका है। ये ऐसा तो जी कुछ भी नहीं देंगे हम, ठीक है ना। ये चीज़ है, एक आध बिस्मिल्लाह का नक्श होगा जी कि अगर डालना है तो गले में डालना है हिफाजत के लिए, वही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्लियर कट ऊपर लिखी हुई है, दैट्स इट। और तो कुछ भी नहीं जी करेंगे, तो सोचने वाली बात है ना कि आपको पता नहीं होता कि कौन क्या चला रहा है, ठीक है ना। जी यस हाँ, जी तो ये चीज़ है। और उनके बारे में आप बता दें कि भाई